हेलो एवरीवन, तो पहन लीजिए आज अपने एप्रन क्योंकि हम बनाएंगे बिल्कुल डिफरेंट स्टफिंग ब्रेड रोल्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन में तेल, जीरा, धनिया और हल्दी डाल के इसे अच्छे से पका लिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 अनियंस। प्याज का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट किया है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च, मटर, टमाटर, नमक, कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, किचन किंग मसाला ऐड करके इसे ढककर अच्छे से पका लिया है। पक जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 उबले हुए आलू। मैंने यहाँ सिर्फ 2 उबले हुए आलू यूज किए हैं। जब ये अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हम ब्रेड की साइड्स को निकाल लेंगे और एक एक ब्रेड को पानी में डिप करके उसका पानी अच्छे से स्क्वीज करने के बाद हम उसमें मसाला भर देंगे और उसे अच्छे से ब्रेड रोल की शेप में रोल कर देंगे। आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, ओवल भी दे सकते। अच्छा, यहाँ एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ब्रेड रोल को रोल करने के बाद कम से कम भी 10 मिनट का वेट आपने करना है तलने से पहले। अगर एकदम से आप रोल को पैक करके तल देंगे तो वो पैन में चिपक जाएगा और सारा तेल पी लेगा। मैंने यहाँ 10 मिनट वेट करने के बाद इन्हें तला है और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी इन्हें गोल्डन ब्राउन कर बाहर निकालें। और हमने इसमें फ्लेम रखनी है मीडियम टू हाई। बस यहाँ मैंने सारे ब्रेड रोल तल लिए हैं और तल रही हूँ थोड़ी सी मिर्ची और यहाँ मैंने इसे सर्व कर दिया है। आप चाहें तो इसे चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। सभी को सर्व करने अभी मैं जा रही हूँ ब्रेड रोल सभी को सर्व करने, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।